हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पोकर MP40 को कैसे निकाल सकते हो। और गाइस, उसके लिए मैंने एक ट्रिक लेकर आ चुका हूँ इस वीडियो में कि गाइस आप सभी यहाँ से एक स्टोन और यहाँ से एक ब्लूप्रिंट को कैसे निकाल सकते हो। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना भी दिया था, लेकिन भाई कुछ प्रॉब्लम के कारण मैंने वीडियो को डिलीट भी कर दिया था। लेकिन भाई जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था तो वहाँ पर मुझे कमेंट भी मिल रहे थे कि भाई यहाँ से वीडियो बनाओ कि कैसे आप एक स्टोन को और एक यहाँ से ब्लूप्रिंट को कैसे निकाल सकते हो। तो उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ, तो प्लीज़ यार वीडियो को लास्ट देखो, वीडियो स्किप मत करना क्योंकि आपको काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी। और गाइज यहाँ से अगर वीडियो स्किप करके देखोगे तो आप सभी को हो सकता है भाई कोई ट्रिक आपको मिस हो जाए, फिर आप मुझे बाद में कमेंट करोगे। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ, कहीं भी स्किप मत करो। और हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। एंड अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लो ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। और गाइज प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना क्योंकि भाई बहुत ही हम लोग 10K के सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं, तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसलिए मैं आपको बताया था हूँ सबसे पहले तो यहाँ से आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि यहाँ से मैं पोकर MP40 के लिए सबसे फर्स्ट टाइम जब मैं कोशिश कर रहा था तो यहाँ से मुझे 2 स्टोन भी मिल गया था। लेकिन गाइस यहाँ से भाई देख लो भाई बहुत ही डायमंड बर्बाद होने वाले हैं। तो लेकिन इसके लिए मैंने भाई एक ट्रिक को यहाँ से भाई मैंने ट्रिक ट्राई किया तो भाई वो ट्रिक अब मतलब कि सही में काम कर रही थी। इसीलिए भाई देख लो यहाँ से मैंने 2 स्टोन को भी निकाला था, लेकिन काफ़ी इसी में मुझे यार 600-700 डायमंड यहाँ से बर्बाद हो गए थे। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे भाई कि यहाँ से मैंने 1000 डायमंड्स में बहुत बंदे को यहाँ से मैंने यहाँ से पोकर MP40 को निकाला है। तो गाइज आप भी कैसे निकाल सकते हो तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ, अगर वीडियो स्किप कर कर देखोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डर भी किया, जो फर्स्ट टाइम यहाँ से मैंने यहाँ से स्पिन किया था तो मुझे क्या मिला था जो आपको देख रहे हो यार, यहाँ से नूब वाला यहाँ से आपको 30 सी कुछ यहाँ से आपको प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाती है। और गाइज मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ से ग्रेना वालों की एक साजिश समझ जाओ, एक साजिश ही होती है कि भाई ये फिक्स होती है कि भाई इस मतलब इस बंदे को ये देना है, इस बंदे को ये देना है, सबसे लास्ट में ये देना है, मतलब कि सबसे लास्ट में रेयर बंडल ही देते हैं और आपकी डायमंड के अकॉर्डिंग भाई देते हैं। तो सबसे मेन काम है, चलिए मैं आपको कुछ ट्रिक वगैरह सिखाता हूँ, उसको अगर फॉलो करते हो तो 100% आप भी यहाँ से पोकर MP40 को बहुत कम डायमंड में निकाल सकते हो। तो चलिए उसके लिए मैं आपको फर्स्ट नंबर ट्रिक आपको क्या होने वाली चलिए मैं बता देता हूँ। तो अगर आपको मान लो कि भाई 40 का डायमंड का अगर आपको यहाँ से स्पिन करना था, अगर आप यहाँ से कोशिश करना कि भाई यहाँ से 40 के एवरेज में आपका आपके पास डायमंड हो, अगर आपके पास ज़्यादा है तो भाई डेफिनेटली भाई फर्स्ट टाइम ये आपका ये मतलब स्क्रीन में नहीं निकलेगा क्योंकि भाई ग्रेना वाले को लगेगा भाई इसके पास तो बहुत डायमंड है, चल भाई इसका पूरा डायमंड पहले खा जाते हैं तभी इसके लास्ट में कुछ ना कुछ दे देंगे। तो इसलिए भाई ये ग्रेना वालों को साजिश होती है, तो भाई ये बात समझ लेना। तो गाइज यहाँ से आप सभी को कम डायमंड में अगर कुछ भी यार कोई भी इवेंट आती है हमारे गेम में तो यहाँ से क्या करना, जितनी कि इवेंट रहती है मान लो कि यहाँ से 10 स्पिन का कोई भी चीज़ आता है ठीक है, तो उसमें आप कोशिश करना 20 डायमंड रखने के लिए। जैसे कि यहाँ से 10 डायमंड में अगर कुछ नहीं भी निकला तो भाई अगले आपको स्पिन में निकल जाएगा, मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ निकल जाएगा क्योंकि भाई मैंने ऐसा बहुत बार किया। जैसे कि यहाँ से पेन का स्किन इसके पहले कुछ दिन पहले आया था तो भाई मेरा फ्री में आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पास एक भी डायमंड नहीं था, लेकिन जैसे मैं फ्री स्पिन किया था उसमें हम पेन का स्किन मिल गया था और बहुत बंदे को ऐसा ऐसा भाई देखने को मिला था कि भाई 500-600 डायमंड उड़े थे। लेकिन गाइस आज की वीडियो में मैं आपको कुछ यहाँ से ट्रिक वगैरह शेयर करूँगा जो आपको मैंने पिछले बातों में मैं पिछले जो बताया हूँ उसको आपको फॉलो करना ठीक है। तो चलिए यहाँ से पहले मैं आपको दिखाया था, एक और बार आपको क्लिप दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि यहाँ से मैंने पोकर MP40 के लिए मैंने क्या क्या कंडीशन किया था। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो करेक्टर को चेंज कर लेना है ठीक है, सबसे पहले आपको करेक्टर को चेंज कर लेना भाई। इस पर तो मैं बिलीव वगैरह नहीं करता हूँ लेकिन भाई आपके मन के लिए मैं कर लेता हूँ, चलो भाई इससे भी मैं देख लिया लेकिन इससे कोई काम नहीं कर रही। सबसे पहले करेक्टर को मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से एदम बाबा या किसी भी करेक्टर को जिससे आप बहुत कम खेलते हो उसको करेक्टर को लगा लेना और उसको पूरा नोब जैसे बना लेना। और अगर आपके पास वेपन है तो वेपन को क्या करना आपको यहाँ से अनइक्विप कर देना। करने को गाइज आप सभी को करना क्या, चलिए मैं आपको बताया तो यहाँ से डायमंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने को गाइज आप सभी को यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से 4000 या 5000 जो भी है यहाँ से मतलब बड़ी अमाउंट में आप सभी को डायमंड टॉपअप करना है। घबराओ नहीं, मैं डायमंड टॉपअप करने को नहीं बोल रहा हूँ, बस इसी तरह भाई कुछ देर के लिए आपको करना है जैसे कि ग्रेना वाले को लगे कि भाई ये डायमंड टॉपअप कर रहा है लेकिन कुछ इशू के कारण नहीं हो पा रहा है। इस तरह करने के बाद आपको क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। और अगर गाइज आप चाहते हो गिव अवे मैं लेकर आऊँ तो वीडियो नीचे कमेंट कर देना और गाइज अपनी UID के साथ कमेंट करना ताकि गिव अवे में अगर आप जीतते हो तो शायद आपको डायरेक्ट उस पर सेंड कर दिया जाए। और गाइज अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या बिना फोकट के वीडियो देख रहे हो, फटाक से चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना ठीक है। इतना करते हो भाई एक अलग से भाई मोटिवेट मिलती है जिससे कि आप सभी के पास वीडियो पहुँचती रहेगी भाई टाइम टाइम पर।
और गाइस बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि भाई बेल आइकन अगर नहीं दबाते हो तो आप लोगों के पास वीडियो नहीं पहुंचे, जिससे कि मुझे यार काफ़ी बेनिफिट भाई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो गाइस यहाँ से 4000 से जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ भाई, देख लो यार थोड़ी बहुत मेरा नेट बहुत स्लो है भाई, इसलिए आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लेना। और गाइस यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक हो जाएगा तो आपको क्या करना है, फटाक से इसे कैंसिल कर देना है, ठीक है। जैसे ही कैंसिल कर दोगे तो आपसे भी कुछ, चलिए मैं अगला स्टेप बता देता हूँ अगला स्टेप क्या क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ से चलिए यहाँ से कुछ देर प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग होने देते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूँ अगला स्टेप आपको करना क्या है, तो यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले सेटिंग्स पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से अदर्स पे क्लिक करके आपको क्लियर कैंची पे क्लिक करके मतलब कंफर्म क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इतना कर लो करने के बाद आपको कलेक्शन वगैरह आप सभी को पूरा नो वाले बना लेना है। नो वाले बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको रात में 12 बजे, यानी भाई आप लोग ध्यान से सुनना, आपको रात में 12 बजे, आप हो सके भाई 12:01 या 1-2 बजे रात में, अब यहाँ से उस समय टाइम आप सभी यहाँ से स्पिन करना, कोई भी बंडल कोई भी इवेंट आती है उस समय अगर आप स्पिन करते हो पूरा नूब वाली बनाकर। और गाइज आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको नूब वाली बनाकर आपको 1-2 घंटे उसी नूब वाले आईडी से आपको खेल लेना है, ठीक है। जैसे ही खेल लोगे तो आप सभी को क्या करना है, आपको 12 बजे रात के बाद से अगर आपको स्पिन करना है डेफिनेटली भाई आप सभी को रेयर बंडल आप सभी को बिल्कुल निकल जाएगा, जिससे कि यहाँ से आसानी से आप पोकर MP40 आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि भाई इस तरह करके 2 स्टोन भी मैंने ले लिया है। तो गाइज इस तरह करके आसानी से आप यहाँ से पोकर MP40 को निकाल सकते हैं। सो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मुझे मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए। तो गाइज आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।